हे गाइस, वेलकम माय चैनल कॉस्टिक पार्टी। दिस इज सैंडी। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक सिखाने वाला हूं और ट्रिक के साथ साथ एक स्पेशल सरप्राइज भी आप लोगों के लिए। वो सरप्राइज क्या है वो आपको मैं बताता हूं अभी। दोस्तों, आज जो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा ना, फिंगर स्टाइल का एक ट्रिक सिखाऊंगा, मतलब उसे फिंगर स्टाइल में भी यूज कर सकते हो आप आगे जाके। जस्ट अ बिगिनर लेवल का है। मैं एक थंब से और दो फिंगर से आपको एक मेलोडी सिखाऊंगा, उस मेलोडी को आपको सीखना है। सीखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इंस्टाग्राम पे हैशटैग एकॉस्टिक पार्टी करके मुझे टैग करना है। मैं हर एक का वीडियो जरूर देखूंगा। और दूसरी बात, आपको उस वीडियो को मुझे मेरे मेल आईडी पे भी भेजना है अपने नाम के साथ। ठीक है दोस्तों, प्लान क्या है, प्लान अगले वाले वीडियो में मैं आपकी सारी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मुझे वो भेजेंगे, मैं अगले वीडियो में कंपाइल करके एक एक वीडियो आपका पोस्ट करूंगा आपके नाम के साथ। क्योंकि मैंने ये डेडिकेटली वीडियो बनाने का सोचा है कि मैं अपने सारे सब्सक्राइबर के लिए कुछ अलग करना चाहता हूं, उनको कुछ प्लेटफॉर्म दूं अपने चैनल पर, उनको दिखाऊं कि हाँ यार वो भी मेहनत कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोग भी, दूसरे स्टूडेंट्स भी आप लोगों से सीखे कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, उसको सीखने में आपने कितनी मेहनत की है। दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी है अपॉर्चुनिटी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस लेसन ओनली ऑन एकॉस्टिक पार्टी। कमिंग अप नेक्स्ट, ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वाला लेसन। देखो दोस्तों, इस ट्रिक को मैं बोलता हूँ थंब एंड फिंगर ट्रिक। ठीक है, बहुत इजी है ये। इसमें हम एक अंगूठे का यूज करेंगे और दो फिंगर्स का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, जुगलबंदी करनी कैसे मैं आपको वो दिखा देता हूँ, पहले क्लोजअप से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, पहले आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्या रहेगी, मेलोडी आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले आप एक्सरसाइज देखो आपको करना कैसे है। ओके दोस्तों, आपको किस तरीके से बजाना है वो आपको बताता हूँ। आपको नीचे की तीनों स्ट्रिंग की प्रैक्टिस करनी है, एवरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, इन तीनों पर आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका जो थंब है वो आपका जी स्ट्रिंग पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको बस आप क्लियरली सुनो, आपको आ जाएगा। ठीक है, थंब आपका जी स्ट्रिंग में, जी स्ट्रिंग आप हिट करेंगे ऐसे, राइट, ऐसे। उसके बाद आपकी जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर, ये आपके इंडेक्स है, ये मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर से आपका ए स्ट्रिंग और इंडेक्स से आपका बी स्ट्रिंग, राइट, बस यही करना है। देखो ऐसे, सपोर्ट के लिए क्या कर सकते हो दोस्तों, सपोर्ट के लिए आप इस फिंगर को ऐसे लगा सकते हो, ऐसे आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ग्रिप मिलेगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि हवा में रखना स्टार्टिंग में इजी नहीं होता बिगिनर के लिए, वो भूल जाता है कि कहाँ पे मुझे बजाना है। ठीक है, अब सपोर्ट के लिए पिंकी फिंगर को अपने गिटार के बोर्ड पे ऐसे लगा सकते हो तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे, राइट, थंब, मिडिल, इंडेक्स, ऐसे प्रैक्टिस आपको करनी है, राइट दोस्तों। धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ानी दोस्तों अपने हिसाब से, राइट, जैसे जैसे आप करोगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। ठीक है दोस्तों, राइट, जब आप इस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे उसके बाद करना क्या है, अब मैं आपको मेलोडी वाला पार्ट बताता हूँ, आपको मेलोडी कैसे प्ले करनी है। ठीक है दोस्तों, पहले आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करना है जो मैंने आपको ये तीन वाला बताया है, थंब प्लस फिंगर्स। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, बस ये करना है आपको और इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं अपने मेलोडी पार्ट पे। दोस्तों, जो हम इसमें मेलोडी सीखेंगे वो इस तरीके से बजेगी, ये है मेलोडी। दोस्तों, ये मेलोडी हम सीखेंगे और देखते हैं अब ये मेलोडी किस तरीके से बजती है। ओके दोस्तों, इस मेलोडी को बजाने के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, आपका जो रिंग फिंगर है लेफ्ट का, रिंग फिंगर ये वाला, इसको आपको ए स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे लगाना है हमेशा के लिए। ठीक है, ये यहीं पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, ये किस तरीके से स्टार्ट होगा वो देख लेते हैं। सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम लोग ओपन प्ले करेंगे, ये पहले ओपन में बजता है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आपके डी स्ट्रिंग से। ठीक है, डी स्ट्रिंग थंब। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डी स्ट्रिंग आपका मिडिल फिंगर और इंडेक्स आपका जी स्ट्रिंग, राइट, ऐसे 1 2 3 1 2 3, राइट, 1 2 3। उसके बाद दोबारा हमको ये तीन वाला सीक्वेंस प्ले करना है, लेकिन हम लोग इसमें बी स्ट्रिंग को नहीं बजाएंगे इस बार। ठीक है, इस बार बी को नहीं बजाएंगे, स्टार्ट करेंगे डी से, हम थंब से, उसके बाद मिडिल जी स्ट्रिंग पे, उसके बाद आपका इंडेक्स जहां आपने थंब यूज किया था वहीं पे, राइट, राइट दोस्तों, इसमें हमने नीचे वाली बी स्ट्रिंग को नहीं छेड़ा। ठीक है, और सीक्वेंस भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया, राइट, तो ये टोटल कितने पार्ट में बना, 6 पार्ट में, कैसे, 1 2 3 4 5 6, राइट, 1 2 3 4 5 6, राइट, इसके आप प्रैक्टिस करो ऐसे, ना 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 ना।
राइट दोस्तों, ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हम लोग इसका इस्तेमाल भी करेंगे, इन फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरीके से बजेगा अब मैं आपको बताता हूँ। ओके दोस्तों, आपको दूसरा पार्ट बजाने के लिए ये वाला सीक्वेंस पकड़ के रखना है, ये वाला जो कॉर्ड सीक्वेंस ये पकड़ के रखना है। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है, ये वाला आपका जो रिंग फिंगर है वो रहेगा आपके ए स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, और ये वाला जो रहेगा वो आपके डी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों परमानेंटली यहाँ पे ऐसे रहेंगे। उसके बाद जो आपका सीक्वेंस प्ले हुआ दोस्तों, वो मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ, क्योंकि उस तरफ दिखाने के लिए जूम आउट करना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस किस तरीके से प्ले होगा, वैसे ही प्ले होगा। देखो थंब, राइट थंब आपका ए स्ट्रिंग में, क्योंकि ए में आपने प्रेस किया हुआ है। उसके बाद आपका जो मिडिल फिंगर है वो जाएगा आपके जी स्ट्रिंग में, और फिर आपका डी स्ट्रिंग में इंडेक्स, ऐसे। ठीक है, राइट 1 2 3। अब यहाँ पे हम सिक्स नहीं बजाएंगे, जैसे स्टार्टिंग में आपने ओपन में सिक्स बजाया था ना, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 1 2 3 4 5 तक ही होगा। ठीक है, लास्ट के दो पार्ट में आपको क्या करना है दोस्तों, थंब यूज़ करना है और आपका मिडिल फिंगर यूज़ करना है, इंडेक्स यूज़ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है 1 2 3 में इंडेक्स का नंबर लास्ट आता है, तो हम थंब और मिडिल फिंगर यूज़ करेंगे, क्योंकि 1 और 2 आपको बजाना है। ठीक है दोस्तों, वो कैसे बजाना है आपको, डी स्ट्रिंग प्ले करेंगे और जी स्ट्रिंग प्ले करेंगे ऐसे। लेकिन कैसे प्ले करेंगे, इसको आपको नीचे शिफ्ट कर देना है, केवल इसको, राइट, इस चीज़ को, आपके जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, डी से आपको जी में आना है, जी के सेकंड फ्रेट पे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बजाएंगे क्या आपका डी, डी तो आपका बज गया ओपन, और जी स्ट्रिंग आपका सेकंड फ्रेट पे ऑटो में प्ले होगा, क्योंकि सेकंड में प्ले है। ठीक है दोस्तों, डी जी, ठीक है, ये आपका 4 5 बनेगा, 4 5 4 5। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस किस तरीके से रहेगा, ऐसे, मैं ऊपर कर देता हूँ वापस, ऐसे ऐसे, राइट। देखो आप ये, इसको देखो, स्विच होगा ना, ऐसे ये स्विच करा मैंने लास्ट में। ठीक है दोस्तों, राइट 1 2 3 4 5 4 5 4, देखो डी में 4 और मिडिल से 5 जी में, राइट 4 5 4 5, राइट। अब आपको पूरा मैं यहाँ पर बजा के दिखाता हूँ पूरा, जब आपको अब स्टार्टिंग से लोगे ना दोस्तों, तो हमको इसको उठा देना है, और इसको मैंने कहा था पूरा इसलिए पकड़ के रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये हम ए नहीं बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं डी से, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में इसको दबा के रखेंगे तो यहाँ पे अलग साउंड करेगा, क्योंकि ये आपने यहाँ पे दबाया हुआ है, तो स्टार्टिंग हमारा आपको मालूम है कि डी से स्टार्ट होता है, तो हम लोग इसको स्टार्टिंग में उठा के रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बजेगा कैसे स्टार्टिंग में, देखो इस तरीके से। अब उसका नंबर आया, ठीक है दोस्तों, ऐसे ये यहां से, राइट, क्योंकि जब हम ए से स्टार्ट करते हैं तब वो वहां पे प्रेस होता है, क्योंकि उसका रोल वहां पे है, क्योंकि ए के बाद हम लोग ये और ये स्ट्रिंग भी दबा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, राइट, तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं, ये यहाँ पे आपका परमानेंटली प्लेस इसलिए है क्योंकि आपका जो पहला पार्ट है वो पूरा ओपन बचता है, लेकिन जब पहले पार्ट से सेकंड पार्ट पे स्विच करेंगे तो ये आपके लिए ये वाला दबा रहता है। ठीक है, ये वाला स्टार्टिंग में इसलिए नहीं दबा के रखा है क्योंकि आपका पहले वाला पार्ट ओपन है, तो यहाँ पे दबा रहेगा तो वो ओपन नहीं बजेगा। ठीक है, तो उसको उठा के रखते हैं, तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। स्पीड आप धीरे धीरे बनाओ, राइट दोस्तों, देखा आपने, राइट दोस्तों, तो इसी में आपको स्पीड बढ़ानी दोस्तों, इस तरीके से, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एक हफ्ता दोस्तों, बस एक हफ्ता आपके पास इस वाली मेलोडी को आपको सीखना है, और मुझे दो बातें मैंने बताई हैं, इंस्टाग्राम पे #acousticparty करके मुझे टैग कीजिए, मैं आपकी वीडियो को ज़रूर देखूंगा और लाइक तो 100% ज़रूर करूंगा। दूसरी बात, उसी वीडियो को आपको मुझे मेल करना है आपके नाम के साथ, ताकि मैं अगला वीडियो जो चैनल पे पोस्ट करूं वो आपका वीडियो के साथ पोस्ट करूं दोस्तों। विल बी कमिंग बैक सून विद मोर सॉन्ग्स एंड मोर लेसन, स्टिल देन टेक केयर, बाय बाय।